हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? आज है हमारा एपिसोड 3 फास्ट बॉलिंग मास्टर क्लास सीरीज का। आज हम बात करेंगे फास्ट बॉलिंग रनअप के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अपना रनअप मेजर कर सकते हैं, क्या है सही रिदम फास्ट बॉलिंग रनअप के लिए, एंड कैसे आप रनिंग टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड अपने रनअप को इम्प्रूव कर सकते हैं ड्रिल कर करके। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है एंड इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखें। रनअप के बारे में आपको मैं बताने से पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप मुझे इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अपने रनअप के ऊपर। सबसे जो हमारा पहली चीज़ है, हमें पता लगाना है कि हमारा रनअप कितने कदम का होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि आपका रनअप कितना मेजरमेंट का है और कितने उसके आपके स्टेप्स हैं। जनरली हम जब रनअप मार्क करते हैं तो यहाँ से उधर जाते हैं और अपना वहाँ से स्टार्ट करते हैं रनअप लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप रनअप कैसे फिक्स करें। आपको नो बॉल की लाइन जहाँ पर होती है वहाँ से अपना रनअप स्टार्ट करना है एंड सामने जाना है और आराम से बॉल फेंकनी है जितना भी जब आपको फील हो। उसके बाद जब आप बॉल वहाँ पर लैंड करेंगे तो आप वहाँ पर कोन रख सकते हैं या फिर एक चूना रख सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ टाइम रिपीट करेंगे एंड वो आपको एक एवरेज मिल जाएगी कि आपको आपका रनअप कितना होना चाहिए। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब बात करते हैं रनअप को कैसे आपको डेवलप करना है एंड आप कैसे अपनी मेजरमेंट को पा सकते हैं। सबसे पहले आपको नो बॉल की लाइन के पास खड़े होना है एंड हल्का फॉरवर्ड बेंड करना है। यहाँ से आप स्टेप्स को काउंट करते हुए आप रनअप लेंगे, अपना भागेंगे बॉल डालने के लिए। एंड जैसे ही आप भागेंगे आपको मन में 1 2 3 4 काउंट करते हुए चलना है, जिससे कि आपका जो स्ट्राइड का पैटर्न है वो सेम रहे, उस कदम छोटे बड़े ना हो। जब आप भागने के बाद एक आपको फील हो कि अब आपको जंप लेके बोल्ड डालना है तो आप वहाँ पे बोल्ड डालें एंड जहाँ भी आपका फ्रंट फुट पड़े अपने पार्टनर के साथ मदद से आप वहाँ पर चूना लगा सकते हैं या फिर कोन लगा सकते हैं। एंड ऐसे अराउंड 8-10 बार करने के बाद आपको एक एवरेज लेंथ मिल जाएगी आपके जहाँ पे फ्रंट फुट पड़ रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अभी कुछ बोले डाली एंड मेरा फ्रंट फुट जहाँ पे पैर पड़ रहा था वहाँ पे मैंने पार्टनर की मदद से कोन प्लेस कर दिए। इसके बाद आप एक इंच टेप ले सकते हैं एंड पास में आएंगे यहाँ पे जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं रनअप, जहाँ से आपने रनअप स्टार्ट करा है आप यहाँ से इंच टेप से इसको एक पार्टनर की मदद से मेजर करेंगे। तो इस तरीके से आपको एक मेजरमेंट मिल जाएगी, या 20 मीटर 15 मीटर जो भी आपकी मेजरमेंट आए वो एक आपका रनअप की आइडियल लेंथ होगी। एक आइडियल रनअप मिलने के बाद आपको एक बेसिक ड्रिल जो करनी है, जिससे कि आप अपने रनअप में एक रिदम को पा सकते हैं एंड धीरे धीरे जो आपकी मसल मेमोरी है आपके रनअप पे जो आपकी बॉडी में एडजस्ट हो जाएगी। ज़रूरी आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको रनअप में स्टार्टिंग से ही बहुत तेज़ नहीं भागना एंड बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं भागना। आप ग्रेजुअली धीरे से स्टार्ट करें छोटे कदमों के साथ एंड धीरे धीरे स्ट्राइन लेंथ को बढ़ाते जाए। कई बार क्या होता है जब हम विकेट के पास पहुंचते हैं वहाँ तक बहुत तेज़ भागते हैं लेकिन हमारा जो एक्शन लेते हैं तो कंट्रोल हम खो बैठते हैं। तो आपको स्प्रिंट बिल्कुल नहीं मारनी, आप बॉलिंग करने के लिए रनअप ले रहे हैं तो ध्यान रखें एक्शन में हमेशा एक बैलेंस और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अच्छा रनअप वही है जो आप अच्छा भाग के जाए, एक स्मूथ रनअप उस रिदम में हो, और जब आप एक्शन लें तो आप क्रीज पर बैलेंस एंड आपके जो पावर आप पूरी लगा पाए। तो उस चीज़ के लिए ड्रिल है, आपको अपने रनअप पे खड़े होना है, आपको बॉल को हाथ में लेना है एंड धीरे धीरे स्टार्ट करते हुए छोटे कदमों के साथ स्ट्राइड बढ़ाते हुए आपको अपना रन थ्रू करने हैं। आपको बॉल नहीं फेंकनी, सिर्फ एक स्ट्राइड्स मारनी है जो आप बॉल को हाथ में लेके मारेंगे। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस ड्रिल को करते हुए आपको आपकी रनिंग टेक्निक पे ज़रूर ध्यान रखना है। जब भी आप यहाँ से स्टार्ट करें आपके जो हाथ है वो बॉडी के क्लोज रह के इस मोशन में चले, अप एंड डाउन, चिन टू पॉकेट, चिन टू पॉकेट। जब आप रनअप ले तो इस चीज़ की जरूर याद डालें कि आपके हाथ चिन टू पॉकेट के मोशन में चले। आपके हाथ ऐसे बहुत वाइड नहीं चलने चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर आपके हाथ वाइड चलेंगे तो आपको एक्शन में लोडअप में उसमें दिक्कत आती है। तो जब आपके हाथ बॉडी के पास चलेंगे एंड अप एंड डाउन के मोशन में चलेंगे एक अच्छी टेक्निक में, जब आप लोड करेंगे तो एक अच्छे रिदम में आप लोड कर पाएंगे और एक आपको बैलेंस मिलेगा क्रीज पर। साथ ही जब आप भाग रहे हैं आपको अपनी नीज भी भागते हुए अप रखनी है। आपकी नीज
भागते हुए अप रहे और आपका जो टो है वो भी अप रहे, इसको डोर्सिफ्लेक्स बोलते हैं। तो इससे क्या है, आपकी भागने की जो एफिशिएंसी वो बहुत अच्छी होगी एंड आप कम एफर्ट में ज़्यादा अच्छा भाग पाएंगे। आपका रनअप जब भी इम्प्रूव होगा जब आप इसमें एफर्ट डालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन करेंगे। खाली मैं आपको बताऊँगा एंड आप सिर्फ इसको 10 बार ही करेंगे ऐसे इंप्रूवमेंट नहीं आती, इसके आपको अराउंड 1000 रेपिटेशन करने होंगे जब जाके आपकी बॉडी में वो चीज़ डेवलप होगी एंड तब आप बिना इसको सोचे हुए आपका जो रनअप है वो एफर्टलेस और रिदमिक होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन करें, मेहनत करें। तो जब भी आप रनअप करें या रनअप की कोई भी ड्रिल करें या जब भी बॉलिंग करने के लिए भागें, ज़रूर ध्यान रखें जो आपका रनअप है वो लीन फॉरवर्ड होना चाहिए, आपका जो बॉडी एंगल वो आगे की तरफ होना चाहिए, आपको ऐसे एकदम बिल्कुल खड़े होकर नहीं भागना। दूसरी चीज़, आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे पेस बढ़ाना है, आप एकदम स्टार्टिंग से तेज़ ना भागें, धीरे धीरे अपने एफर्ट को बढ़ाएं। साथ ही जो आपका रनअप है वो कंटिन्यूस मोशन में होना चाहिए, ये नहीं कि आप कहीं तेज़ भाग रहे हैं कहीं स्लो भाग रहे हैं, उस चीज़ को भी अवॉइड करें। और एक जहाँ भी आपका जो रनअप फिक्स हो गया है आप हर बारी उसी जगह से भागें, ये नहीं कहीं कई बार आप आगे से भाग रहे हैं कई बार ज़्यादा से भागें, जो भी आपकी मेजरमेंट है उसी से आपको भागना है एंड उसी से आपको प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो में हमने बात करी कि आप कैसे अपना रनअप मेजर कर सकते हैं एंड कैसे ड्रिल कर सकते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कैसे आप जो कॉमन मिस्टेक्स लोग रनअप में करते हैं उसको ठीक कर सकते हैं एंड और कौन कौन सी ड्रिल्स करके अपने रनअप को और अच्छा बना सकते हैं एंड और तेज़ बॉल फेंक सकते हैं। तो चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं एंड आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।